हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूं। और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। नहीं चल रही है तो प्रिपरेशन को ट्रैक पे ले आओ, बिकॉज लेस देन 2 मंथ्स बचे एग्जामिनेशन के लिए। एंड आईसीआई ने भी आज अपना आरटीपी इशू कर दिया है, ठीक है? तो आरटीपी के बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बिकॉज आईसीआई चाहता है कि एटलीस्ट कम से कम आप आरटीपी बनाओ जल्दी से। चलो सब पहले मैं एक आरटीपी डिस्कस कर लूँ, बिकॉज सबका आरटीपी आ चुका है, ठीक है? तो मैंने अपने जो मेंटरशिप स्टूडेंट्स हैं उनसे आरटीपी डिस्कस कर लिया है कुछ कुछ, एंड उनको भी बता दिया हूँ। एंड आप भी जो यूट्यूब पर स्टूडेंट हैं उन भी आरटीपी को थोड़ा देख लो। एंड यस, एसएफएम शील्ड, सर जो एसएफएम शील्ड बनाया था जहाँ पे टोटल 126 क्वेश्चंस थे, क्या वहाँ से आरटीपी में है क्वेश्चंस या नहीं है, अभी देख लेते हैं। सर टोटल आरटीपी में 13 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। यस, 13 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है एंड 2 थ्योरी क्वेश्चंस आरटीपी ने पूछे इस बार आईसीआई ने। सर आपका जो एसएफएम शील्ड है, ये आप जो देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एसएफएम शील्ड 1.0 ऑलरेडी पिछले बार ही मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया था जहाँ पे 68 मार्क्स का एग्जाम में आया था विद थ्योरी, ठीक है? तो सर इस बार क्या क्या एक्सपेक्टेशन है? देखो इस बार मैंने कुछ क्वेश्चंस बढ़ाए हैं पिछले बार से। पिछले बार अगर 90 क्वेश्चन थे, मैंने इस बार 120 क्वेश्चंस लिए। कुछ एमटीपी आरटीपी भी मैंने निकाला है इस बार यहाँ पे, जो आईसीएन अभी आरटीपी में भी दिखाया ये चीज़। तो सर सबसे पहली बात, क्या आरटीपी एक्स्ट्रा ज़्यादा एफर्ट्स लगाना चाहिए? देखो मैंने जहाँ पे एनालिसिस किया हो, 13 क्वेश्चंस आरटीपी के हैं जिसमें से 70% क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में मिल जाएंगे। यस, उसके अलावा जो आपको है ना आरटीपी एमटीपी जो प्रीवियस बार आया था वहाँ से आईसीआई पूछता है या पास किए। मैं स्पेशली बोलता हूँ एसएफएम में पास किए का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सर तो स्टडी मैट में क्वेश्चन है, यस स्टडी मैट क्वेश्चन यहाँ पे 70% कवर है। बट मैं आपको बताऊंगा अभी जो मेरा जो एसएफएम शील्ड मैंने बनाया था जहाँ पे आप देख सकते हो 127 प्रैक्टिकल सम्स थे, सर यहाँ से कुछ आरटीपी लगा है? देखो मैं अगेन बोलता हूँ हवा में एनालाइज नहीं होता है, बहुत प्रॉपर वे में एनालाइज किया जिसका मैं पहला झलक दिखलाने वाला हूँ आपको अभी। टोटल 13 क्वेश्चंस थे जहाँ पे 9 हमारे एसएफएम शील्ड में कवर है, जो ये आप देख सकते हो एसएफएम शील्ड यहाँ पे 9 क्वेश्चंस कवर है। सब देख लो पहले। सबसे पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा ये कमर्शियल पेपर पे है, ठीक है? आईसीआई ने बहुत पहले इस पर एक अमेंडमेंट लाया था जो बहुत सारा क्वेश्चन नहीं था इस पर, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, बट आईसीआई ने एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे इशू किया है। तो एक तरह से मैं बोलूंगा एक न्यू टाइप क्वेश्चन समझ लो, ठीक है? लिंक करता है कहीं ना कहीं पहले वाला, बट एक न्यू क्वेश्चन समझ लो आईसीआई का ये पहला क्वेश्चन जो आपको शायद स्टडी मैट में ना मिले, ठीक है? तो एक नया क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, ये आपको देखना है सर। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 38 इन एसएफएम शील्ड। चलो मैं आपको चेक कराते हैं, जिनके पास एसएफएम शील्ड है भाई साहब अच्छे से प्रिपेयर कर लो। कहते नहीं आपका अटेम्प्ट बच सकता है, हो सकता है एग्जम्पशन भी आ जाए आपको, क्योंकि 13 में से 9 क्वेश्चन एसएफएम शील्ड में कवर थे जो आईसीआई ने इस पर पूछा है आरटीपी में। सेम क्वेश्चन देख सकते हो, मैक्लोय वॉलेटिलिटी कॉन्वेक्सिटी, ठीक है? मैक्लोय वॉलेटिलिटी कॉन्वेक्सिटी इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड डिटो क्वेश्चन, ठीक है? ये हमारा हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 74 इन एसएफएम शील्ड। जिनके पास एसएफएम शील्ड है वो यहाँ पे मैच कर सकते हैं, ठीक है? सेम डिटेल्स क्वेश्चन आरटीपी 23 में, फर्स्ट क्वेश्चन ही मैंने लिखा था ये चीज एंड यहाँ पे था। सर जो आरटीपी में आ गया क्या वो एग्जाम में आता है? एसएफएम एफआर एंड डीटी बिल्कुल करके जाना आरटीपी को, एग्जाम में आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारे एसएफएम शील्ड में था। सर दिस क्वेश्चन पेज नंबर 12 म्यूचुअल फंड, ये आपको स्टडी मैट में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये पास्ट ईयर में आया था जो मैंने आपको यहाँ पे पुट किया है, ठीक है? तो ये चीज आप देख सकते हो, ठीक है? देन 158, ये एक रिलेवेंट मतलब ये लाइकली है क्वेश्चन मिलता जुलता ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? बाइनोमियल ट्री मेथड क्वेश्चन है, यहाँ से ये पूरा नहीं है बट प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट यहीं पे है। 7 नंबर थोड़ा सा आप ये बोल सकते हो लेस रिलेवेंट, बिकॉज इस टाइप क्वेश्चन आईसीआई कम पूछता है, 3 to 4 मार्क्स से पहले पूछता था, बट 8 मार्क्स से क्वेश्चन बनते हैं तो एक ओवरव्यू कर सकते हो यहाँ पे। देन फॉरेक्स का ये क्वेश्चन पेज नंबर 134 इन एसएफएम शील्ड, ठीक है? देख सकते हो कि फॉरेन कोलैबोरेटर यूएस डॉलर, फॉरेन कोलैबोरेटर यूएस डॉलर 2 मिलियंस, बस आईसीआई नंबर चेंज करता है 48.5275 68.5275। ये क्वेश्चन नहीं है जो कि कहीं ना कहीं दिसंबर 21 में आया था, जो कि मेरा अटेम्प्ट था यहाँ पे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो ये चीज आप देख के जाओ बिकॉज आईसीआई पास कर पूछता है। देन क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम 109 पेज, देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जुलाई 21 में आया था एंड आईएफएम चैप्टर क्वेश्चन है, इसको मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख रखा है कि क्वेश्चन आने के चांसेस है। यूएस बेस्ड कंपनी प्लानिंग टू सब्सिडरी कंपनी, प्लानिंग टू सेटअप अ सब्सिडरी कंपनी, 60 मिलियन
यहाँ पे 490 मिलियन, बस नंबर 60 मिलियन ही है, नंबर वंबर भी चेंज नहीं कर रहा इसे, तो करके जाओ अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन आपको इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट, जो SFM शील्ड में नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ स्टडी मैट है, ठीक है। तो पेपर कहीं ना कहीं स्टडी मैट से आता है, कुछ क्वेश्चन RTP MTP के होते हैं, वो मैंने भी पुट किए इंपॉर्टेंट वाले, जो आपको म्यूचुअल फंड का दिख गया होगा। देन क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 46 फ्रॉम SFM शील्ड, ठीक है, देख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में बहुत बार घुमा हुआ है क्वेश्चन, 140 140, ठीक है। देन पेज नंबर 64 मर्जर इक्वेशन क्वेश्चन, ठीक है, बस यहाँ पे ई लिमिटेड एच लिमिटेड है, आई सी ने यहाँ पे ई को फुल एफिशिएंट, एच को हेल्दी कर दिया, 20 लाख 15 लाख 20 लाख 15 लाख, मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000, यहाँ पे 800 1200, और वही चीज़ है 40 25 35 45 20 35। तो देखो आई सी कुछ नहीं करता, आई सी आपको आपका स्टडी मैट RTP कवर अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मैंने भी SFM शील्ड में आप देख सकते हो यहाँ पे पुट किया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सर। देन इतना ही है, 13 क्वेश्चन मैंने बताया, 13 में से आपको 9 आपको यहाँ पे SFM शील्ड में डिट्टो मिल जाएंगे, तो एक्यूरेसी कहीं ना कहीं 70-75% की है। सर थ्योरी बताओ, सर थ्योरी दो क्वेश्चन थ्योरी थे, एक था फीचर ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है, एंड एक था वेंचर कैपिटल का, वो भी दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। एक था आपको फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, जो कि नवंबर 22 में आया था, तो लेस चांसेस है, एक बार ओवरव्यू कर लेना, और रिस्क मैट्रिसेस ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग पेज नंबर 168 इन SFM शील्ड। तो SFM शील्ड में मैंने सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरिटिकल इंपॉर्टेंट भी डाला है, ये आप देख सकते हो, रिस्क स्टेज इन वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग स्ट्रीम वेरी हाई, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा मई 23 के लिए, ठीक है। तो पूरा एक बार मैं लास्ट ओवरव्यू कर देता हूँ इस चीज़ को, 13 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 9 ऑलरेडी कवर्ड इन SFM शील्ड, जो कहीं ना कहीं आपको RTP या स्टडी मैट की क्वेश्चन है, कोई नए क्वेश्चन आईसी ने नहीं बनाए। क्वेश्चन नंबर 1 एक थोड़ा न्यूली ड्राफ्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन लेस रिलेवेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 ये भी थोड़ा न्यू बोल सकते हो बट लेस रिलेवेंट है, 3 से 4 नंबर का आ सकता है, बट आईसी का फ्रेमवर्क 884 वाला है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेना। दो क्वेश्चन जो SFM शील्ड में नहीं है, वो एक इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ स्टडी मैट है, और एक जापान इंपोर्ट वाला है, ये भी आपको दिसंबर 21 के पेपर में आया था, एंड आई थिंक स्टडी मैट में भी 20 से लेके 25 के सीरीज के बीच में क्वेश्चन में ये चीज़ है, जापान से देखोगे आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सर 9 क्वेश्चन कवर इन SFM शील्ड, 1 एक न्यू क्वेश्चन, ठीक है, टोटल 10 हो गए यहाँ पे, एक लेस रिलेवेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 11 हो गया, एंड दो क्वेश्चन जो स्टडी मैट के थे जो शील्ड में नहीं है। तो सर 13 में से 9 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर इन SFM शील्ड। तो जो स्टूडेंट बोलते हैं सर SFM शील्ड बना ले काफ़ी है, भाई देखो कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो 126 क्वेश्चन आर इनफ फॉर 1.5 डेज, बिकॉज हम इतना बल्की लेके बैठ जाते हैं ना, हमसे वो चीज़ नहीं हो पाता है। तो आप चीज़ देख सकते हो 13 में से 9 क्वेश्चन तो वहीं सील्ड से थे, एंड आईसी को पता है कि आप स्टडी मैट क्लियर करो, RTP MTP जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी होने चाहिए, तो वो मैंने पुट कर दिया है। फॉर थ्योरी पोर्शन वो भी मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको डाल दिया है। तो जिन स्टूडेंट पास SFM शील्ड है एटलीस्ट 2 बार बना लो, एक बार अभी बना लो, एक बार एग्जाम के टाइम पे जरूर बनना चाहिए, या आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस टिक लगे होंगे तो उसको भी उसमें आप ऐड ऑन कर लेना। जिनके पास नहीं है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। बेसिकली टोटल स्टडी मैट में 350 क्वेश्चंस है, जिसको मैंने डिफाइन करके इंपॉर्टेंट वाले शील्ड में कन्वर्ट किया था, ठीक है, जो कि ऑलरेडी 500 प्लस स्टूडेंट के पास जा चुका है। जिनको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लेके परचेस कर सकते हैं अभी प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे, ठीक है। एंड ये RTP पक्का बना लो, RTP से एक ICAI का टेस्ट पता चल जाता है कि ICAI कहाँ कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, उसके आसपास के टॉपिक आपके सारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो एक प्रॉपर वे में अनाउंसमेंट मैंने कर दिया कि RTP आ चुका है, जो भी पेपर क्लियर होंगे उनकी RTP बनाओ। RTP कुछ मुझे ऐसा लगा नहीं, एक दो क्वेश्चन न्यू थे बट वो भी लेस रिलेवेंट है, कॉमर्शियल पेपर का क्वेश्चन था, एंड जो क्वेश्चन सील्ड में नहीं था वो स्टडी मैट का ही था, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।